नहीं पता है कि पसवान जाति कितने परसेंट है। पसवान जाति का चिराग पासवान के साथ क्या है? हम भी दुसाद, हम चिराग पासवान के साथ नहीं है। नहीं है, नहीं है चिराग पासवान के साथ। जबरदस्ती बोलाइएगा चिराग पासवान के साथ, हम बुलवा नहीं रहे हैं। तो फिर जातीय गणना से फायदा क्या होगा पसवान जाति को? वे भी वो हिंदू मुस्लिम का राजनीति करते हैं। यहाँ का जो बिहार की राजनीति जो है जाति आधारित में राजनीति होता है, तो कहीं ना कहीं तक जो है सभी लोग अपना वोट बैंक के चक्कर में रहते हैं। सपना देख रहे हैं, कोई दुसाद साथ नहीं है चिराग का। हाँ, काहे नहीं, काहे नहीं, कोई अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहेगा। किसके साथ है चिराग पासवान? चिराग पासवान भाजपा के साथ है। भाजपा वाले क्या कर रहे हैं? आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। आरक्षण संविधान में संशोधन किया जा रहा है, संविधान को खत्म करने का काम किया जा रहा है। अगर आपकी बार सरकार आई ना केंद्र में, तो जानते हैं क्या होगा? संविधान के जगह मनुस्मृति तैयार होगा, आरक्षण खत्म होगी। बहुजन की संख्या ज्यादा है तो बहुजनों की सरकार होगी। जातीय गणना से मतलब सरकार आपका बन जाएगा? बिल्कुल बनेगा, काहे नहीं बनेगा, काहे नहीं बनेगा। हमारी संख्या है ज्यादा है तो हमारी सरकार नहीं होगी। हमारा लेकिन चिराग पासवान को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाने वाला है। कौन चिराग पासवान? नहीं चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे, बस सपना देख रहे हैं। ठीक है, बीजेपी हनुमान है, बीजेपी के हनुमान, नरेंद्र मोदी हनुमान है, हनुमान बन के रह जाएंगे, कभी राम नहीं बन पाएंगे। हमारे महापुरुष अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, ललित सिंह यादव अमर रहे, तमाम महापुरुषों के विचारधारा पर हम चलने का काम करेंगे। चलिए अब हम बिहार के राजनीति में आते हैं। जैसा कि अभी जातीय जनगणना जो है, जातिवार जनगणना हुआ, जातिवार गणना हुआ, तो क्या इस पर क्या मतलब देखते हैं आप? ये पूरे देश में होना चाहिए, जातीय जनगणना जो है पूरे देश में होना चाहिए। इससे पता चलेगा कि किसकी संख्या कितनी है। अभी तो पता चलेगा बिहार में संख्या किसकी है, किसकी संख्या ज्यादा है। तो यहाँ बहुजनों की आबादी सबसे ज्यादा है, जो 90% लोग हैं जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है बिहार में। और इससे पूरे देश में होना चाहिए ताकि पता चले कि इस देश का मूल निवासियों की संख्या कितनी है। अगर देश में होगा सबको डर है, क्यों नहीं करा रहे हैं मोदी जी, क्यों नहीं देश स्तर, क्यों किया जा रहा है विरोध? क्योंकि ये लोग को पता है कि ये पोल खुल जाएगा, इन लोग की ये लोग जग जाएंगे। जिस तरह से बिहार में बहुजन जग गए हैं, इन लोग को डर है कि ये लोग जग जाएंगे, और जिस दिन जगेंगे तो बता दिए आपको क्रांति आएगी। देखिए आप बोल रहे हैं जातिवार गणना, आप नहीं बोल रहे हैं जातीय गणना, हम बोल रहे हैं। हाँ जातीय गणना, जो भी जातीय गणना हुआ यहाँ पर, वे भी वो हिंदू मुस्लिम का राजनीति करते हैं। यहाँ का जो बिहार की राजनीति जो है जातीय आधारित में राजनीति होता है, तो कहीं ना कहीं तक जो है सभी लोग अपना वोट बैंक के चक्कर में रहते हैं। कोई यहाँ वोट बैंक के चक्कर के चक्कर बहुजनों की सरकार होगी, बहुजन की संख्या ज्यादा है तो बहुजनों की सरकार होगी। जातीय गणना से मतलब सरकार आपका बन जाएगा? बिल्कुल बनेगा, काहे नहीं बनेगा, काहे नहीं बनेगा। हमारी संख्या है ज्यादा है तो हमारी सरकार नहीं होगी। चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बना दिया, यही बात तो बोल रहे थे जगदेव बाबू कि यही लोग है मूर्ख बना के रखे हैं। दस लोग हैं 90 पे शासन करते हैं महाराज, लेकिन चिराग पासवान को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाने वाला है। कौन चिराग पासवान? नहीं चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे, बस सपना देख रहे हैं। ठीक है, बीजेपी हनुमान है, बीजेपी के हनुमान, नरेंद्र मोदी हनुमान है, हनुमान बन के रह जाएंगे, कभी राम नहीं बन पाएंगे। कहते हैं कि सीना चीर कर दिखा देंगे, यहाँ पर मोदी दिखाई देंगे सीने। हाँ तो उनके सीने में होगा, हमारे सीने में नहीं। हम भी दुसाद हैं, हम मेरे सीने में नहीं है मोदी। ठीक है, चिराग पासवान के सीने में है ना जी, चिराग पासवान के सीने में होना होगा। चिराग पासवान सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री का, उनको लग रहा है कि भाजपा वाले हमको प्रधानमंत्री बनाए, मुख्यमंत्री बना देंगे। ये सपना सपना रहा, नहीं बनाएंगे, कैसे बना देंगे, कैसे बना देंगे? आप जातीय गणना के बारे में बोले, हाँ। आपको नहीं पता है कि पासवान जाति कितने परसेंट है? पासवान जाति का चिराग पासवान के साथ क्या है? हम भी दुसाद, हम चिराग पासवान के साथ नहीं है, नहीं है, नहीं है चिराग पासवान के साथ। जबरदस्ती बोलाइएगा चिराग पासवान के साथ, हम बुलवा नहीं रहे हैं। तो फिर जातीय गणना से फायदा क्या होगा पासवान जाति को? पासवान जाति को थोड़े की जाती है, पासवान है तो पासवाने को वोट देंगे। हम बहुजन की सरकार बनाएंगे, जो बहुजन की बात करेगा वो बिहार पे राज करेगा, जो बहुजन की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। अच्छा आप पासवान जाति से हैं, तो आपके एक पीछे न रहने से चिराग से चिराग को कोई फर्क थोड़ा ना पड़ने वाला है? सपना देख रहे हैं, कोई दुसाद साथ नहीं है चिराग का। हाँ काहे नहीं, काहे, कोई अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहेगा। किसके साथ है चिराग पासवान? चिराग पासवान भाजपा के साथ है। भाजपा वाले क्या कर रहे हैं? आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। आरक्षण संविधान में संशोधन किया जा रहा है, संविधान को खत्म करने का काम किया जा रहा है। अगर आपकी बार सरकार आई ना केंद्र में, तो जानते हैं क्या होगा? संविधान के जगह मनुस्मृति तैयार होगा। आरक्षण खत्म किया गया है आरएसएस नागपुर में, आप बोल रहे हैं आरक्षण खत्म करने के लिए? चुनाव से पहले 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया गया था, खत्म कैसे कर रहे हैं? चिराग पासवान ने समर्थन किया था, किसको कमजोर किया गया था? दलितों को कमजोर किया गया था, पिछड़ों को कमजोर किया, एससी एसटी ओबीसी को कमजोर करने का काम किया। ईडब्ल्यूएस से कौन कमजोर है? ओबीसी के लोग कमजोर, एससी एसटी के लोग कमजोर। चिराग पासवान आरक्षण देने की बात करवा रहे हैं? चिराग पासवान दलित के नेता थोड़े हैं, दलित के नेता कैसे हुए? चिराग पासवान कैसे हुए? हर जगह घूम रहे हैं, हर जगह घूमने से नेता, हम तो हर जगह जाते हैं, हम नेता हो गए, हम तो हर गली में घूमते हैं, हम तो नेता हो गए। हम हर पासवान के पास जाते हैं, हर चमार के पास जाते हैं, हर लोग हर जाति के लोग पास, हम तो सबके नेता हो गए। पासवान के अच्छे अच्छे फैंस हैं, उनके जाति के भी लोग और चाहे जो भी हैं लोग, ये बस चंद लोग के आप देखे हो, चंद लोगों से कोई पूरी जाति फैन नहीं हो जाती। जो यहाँ बहुजनों की बात करेगा, जो यहाँ पिछड़ों की बात करेगा, जो यहाँ पिछड़ों के हक अधिकार की बात करेगा, जो दलितों के हक अधिकार की बात करेगा,
तमाम लोग, चाहे वो दलित हो, ओबीसी हो, मिनोरिटी लोग, तमाम लोग उसके साथ होंगे। बाकी चिराग पासवान हवा में बाजी करते रहे, कौन चाहेगा अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना जी? हम चाहेंगे कि मेरे पैर पे, हम चाहेंगे कि हमारे जो बच्चे हों, हमारा जो आने वाला भविष्य हो, उसके साथ खिलवाड़ हो, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो, कौन चाहेगा? आप मतलब ये मतलब सोच रहे हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे, कैसे मतलब कुल्हाड़ी मार देंगे लोग? नहीं बनेंगे जी, कहे नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, सपना सपना रह जाएगा। जातिवाद गणना का फायदा क्या होगा बीजेपी को? बीजेपी को कहाँ, बीजेपी तो विरोध कर रही है। ऐसे कह रहे हैं, जब गणना करवाने के लिए जब सभी लोग गए थे केंद्र में, बीजेपी भी साथ में थी, विरोध करने के बाद कैसे कह रहे हैं उसमें? तो कहे नहीं कि केंद्र में मांग हो रही है तो करवा दे रही है बीजेपी। इतना दिन से नीतीश कुमार के साथ में बीजेपी थी, कहे नहीं करवा दी? जब तेजस्वी यादव आए नीतीश कुमार के साथ, तब ना जातीय जनगणना हुआ, कहे नहीं करवा दिए? ये लोग बस बरगलाते हैं समाज को, हम करवाना चाहते हैं, करवाना चाहते, करते कुछ नहीं है। अच्छा अंत में क्या, कौन जिंदाबाद? बहुजन समाज जिंदाबाद, दलित ओबीसी मिनोरिटी एकता जिंदाबाद, शहीद जगदेव बाबू अमर रहे, तमाम हमारे महापुरुष अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, ललित सिंह यादव अमर रहे, तमाम महापुरुषों के विचारधारा पर हम चलने का काम करेंगे। और बाकी किसी के बरगलाने में आने वाले नहीं है। चिराग पासवान अपना राजनीति करते रहे, हम लोग राजनीतिक लोग नहीं हैं, और चिराग पासवान के साथ है। अगर चिराग पासवान भाजपा के साथ रहे तो कोई दलित उनके साथ आने वाला नहीं है। जी, और हमारे साथ जुड़े थे बहुजन पत्रकार नीतीश आर्यन जी, जो कि ब्राह्मणवाद, समंतवाद, बहुजनवाद और सारे मुद्दे पर है जो बात हुई, बहुत सारे बोलते रहते हैं बहुजनवाद बहुजनवाद, इस पर हम लोग बात कर रहे थे। और कहीं ना कहीं तक जो है देखने, आप सुने भी, देखे भी, आखिर क्यों करते हैं, क्या बात होता है, इस सब बहुत सारे क्वेश्चन जो है बात करने का हम लोग बात भी किए। और जैसा कि चिराग पासवान के आज से बहुत सारे लोग फैन हुए हैं, चाहे उनके जाति के लोग हों, चाहे जो भी लोग हैं, बहुत सारे लोग फैन हुए हैं, मुख्यमंत्री भी देखना चाहते हैं, इस पर भी हम लोग बात किए। तो इस तरह से आप लोग बने रहिए। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह, थैंक यू, जय हिंद।